गुरुदेव म्हणजे कवळ्या वयाच्या विद्यार्थ्यांना घडविण्यात आपलं जीवन खर्च करतो. विद्यार्थ्यांवर संस्कार, आदर्श, त्याचबरोबर विद्येचा प्रभाव, व्यवहारिक ज्ञान कसे मिळेल याची तळमळ मनात घेऊन नेहमीच अग्रेसर असणारे गुरुजन म्हणजे महाराष्ट्र उर्दू शाळेचे व हायस्कूलचे शिक्षक होईल. त्याच अनुषंगाने शेडगे येथील महाराष्ट्र उर्दू प्रायमरी व उर्दू हायस्कूल येथे फूड फेस्टिवल कार्यक्रमचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विद्यार्थिनींनी या फूड फेस्टिवलला प्रतिसाद देत हिरिरीने यात सहभाग नोंदविला. तर सोलापुरी चटक्यासोबतच विविध पदार्थांच्या या फूड फेस्टिवलमध्ये अनेक स्टॉल्स भरविण्यात आले होते. सोलापूर शहरातील धडाडीच्या महिला अध्यक्षा रेशमा मुल्ला, शफी कॅप्टन, ॲडव्होकेट ओकेट नौशाद पटेल, हुसेन बागवान, मलंग बाबा, चेअरमन जाफर हिपरगी, प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक जुबेर हिपरगी, बशीर कडपा, असरार नलामंदू, त्याचबरोबर उर्दू हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका शगुफ्ता शेख, आफरीन शेख, सबा शेख आदी शिक्षक व शिक्षकेतर वर्ग उपस्थित होते. दरम्यान रेशमा मुल्ला यांच्या प्रमुख उपस्थितीत फीत कापून फूड फेस्टिवलला सुरुवात करण्यात आली. त्याचबरोबर शाळेच्या वतीने मान्यवरांचा सत्कारही करण्यात आला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना संबोधित करत मान्यवरांनी आपली मनोगतेही व्यक्त केली. त्याचबरोबर फूड फेस्टिवल मधील स्टॉलच्या खाद्यपदार्थांचा मनसोक्त आनंदही घेतला. शफी कैप्टन, तुम्हारे घर का आदमी, सब बच्चे जानते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम में शफी कैप्टन को यहाँ बुलाया जाता है. मैं सबसे पहले मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे अपने घर का आदमी समझकर बुलाते हैं और मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ. वो कहा गया है ना,
रहते हैं तेरे दिल में, वैसा मामला है हमारा। आज का इस फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम मुनक्कद करने के लिए सबसे पहले बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप सारे बच्चे जो हैं ये फूड फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपकी बैठी हुई तादाद और टेबल पर सजे हुए सारे इसके लिए जो अरेंज किया है सारा, इसलिए बच्चों को आप बच्चों को मुबारकबाद देना तो माँ बाप को छोड़ के नहीं चलता ना है, पीछे सारे माँ बाप है ना। माँ बाप को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये स्कूल में एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली जाती है कि हमारे बच्चे के अंदर जो छुपे हुए गुण हैं उसको उजागर किया जाए। पिछले खेल के मुकाबलों के टाइम पर कुछ बातें इसमें से बताए थे, आज ये है ड्रामा फेस्टिवल में। ये स्कूल को बहुत बड़ा, स्कूल का बड़ा अचीवमेंट है कि आपकी स्कूल इंटर स्कूल मुकाबलों में और अपने स्कूल के जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें सब बच्चे और टीचर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ये सारा क्रेडिट जो है हिपरगेन फैमिली को जाता है। मैं आप सबको फूड फेस्टिवल के लिए मुबारकबाद देता हूँ शुरू में। सर इसके इनाम वगैरह हैं क्या बाद में? हाँ, तो तुम्हें इसमें से अभी जो भी जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें से जो भी इनाम मिलेंगे उन सबको और जिनको नए मिलने वाले हैं और जिन्होंने सब तैयारी करके आए सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ फूड फेस्टिवल के दिन में मुझे बुलाया गया, मैं सब संचालक का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और ख़ासकर बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ कि तुम इतना बड़ा कंपटीशन फूड फेस्टिवल का रखे हैं और सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हर एक कंपटीशन में हिस्सा लीजिए और अपने स्कूल का नाम अलग अलग तरीके से रोशन कीजिए, ऐसे मैं तुमको दुआ देती हूँ यहाँ पर। और सिर्फ फूड फेस्टिवल नहीं, और जो जो भी अपन नहीं कर सकते वो भी करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि रहते साइंस में इंजीनियरिंग का डॉक्टरिंग का सर ऐसे भी फेस्टिवल रखते जाइए, जैसा साइंस में रहता है साइंटिस्ट एग्जीबिशन, वो भी बच्चों को मालूम होना ज़रूरी है। आजकल मैं देख रही हूँ सब स्कूल में सिर्फ फूड फेस्टिवल ये चल रहा है, लेकिन एग्जीबिशन भी होना ज़रूरी है। सिर्फ उर्दू स्कूल में ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ लिख के सिर्फ फूड फेस्टिवल ही लेना क्या, मेरा एक सवाल ऐसा हो रहा है। एग्जीबिशन भी होना ज़रूरी है, बच्चों को मालूमात भी होना ज़रूरी है। मैं बहुत बहुत यहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देती हूँ कि मैं पहली टाइम यहाँ आई हूँ और उर्दू स्कूल यहाँ हुई है, मुझे मालूम नहीं था, आज सर के तरफ से अल्ता भाई के तरफ से मालूम हुआ है। तो बहुत अच्छी, बहुत पैमाने, बहुत बड़े पैमाने पर उर्दू स्कूल चलती है। मैं अभी टीचर के साथ भी बात की कि बहुत ही मेहनत के साथ आज ये स्कूल खड़ी हुई है, तो बहुत ही मेहनत के साथ जद्दोजहद के साथ ये स्कूल खड़ी हुई है। बच्चों को मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो स्कूल ये खड़े करे हैं इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, तुम भी इतनी मेहनत करो कि अपने माँ बाप के नाम के साथ ये स्कूल का भी नाम इतना बड़ा रोशन करो कि हर पूरे महाराष्ट्र में स्कूल का नाम होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करना चाहिए कि अच्छा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस अधिकारी होने के बाद अपने घर के साथ साथ अपने स्कूल का भी नाम होता है। तो यहाँ के पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, तो माँ बाप काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, घर की प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा स्कूल में भी ध्यान दीजिए। टीचर का तो यहाँ बहुत कोऑपरेट है, अपन भी अपना भी काम बनता है कि अपन भी अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे पूरी मुकम्मल करें। आज दीन और दुनिया की तालीम ये होना बहुत ज़रूरी।